बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मांग करना चाहूँगा एनएम 2013 की भर्ती को पूरा करो। वो लड़कियाँ ओवरएज हो रही हैं, बार बार मांग करती हैं। सीएचओ की भर्ती भी नए सिरे से करी जाए ताकि वो नौजवान जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था, जनता का साथ दिया, तो उनका समाधान हो। सभापति महोदय, होम्योपैथी के डॉक्टरों की भी भर्ती को पूरा करा जाए। अभी सिर्फ 350 संख्या में वो लगे हुए हैं। मैं सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ वो ये भी है कि आपने हमारे यहाँ CHC दी, PHC दी, उनके काम भी शुरू हुए, लेकिन काम इतनी सुस्त गति से हैं कि अचंभा आ रहा है कि कैसे भी कोई काम होते हैं क्या। PWD ने पिछली बार जो काम पिछले साल शुरू हुए अब की बार पूरे कर दिए, लोकार्पण चल रहा है। अभी मेरे रामगढ़ CHC में, मुंसरी PHC में, उप स्वास्थ्य केंद्र मोजाना में काम दो दो तीन तीन चार चार महीने से ठेकेदार गायब है। सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि NRHM का ये थोड़ा सा सिस्टम टाइट करा जाए और मंत्री महोदय इसको देखें। हमने पहले भी इस मामले को उठाया है और इनके काम में क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। सभापति महोदय, पिछले बार शेरपुरा PHC बनी हुई थी, दो तीन साल पहले बनी, जो पिछले बजट में 2018 के बजट में दी हुई थी, वो लटक गई। और गेहूँ उप PHC के अंदर तरेड़ आ गई बीच में, दीवारों के बीच में। और उसके बाद दीपलाना कोई आज से 7-8 साल पहले बनी हुई PHC, वो नीचे लटक रही है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूँ कि काम में बढ़िया हो। हम चाहते हैं कि हेल्थ बिल पर चर्चा आज होनी चाहिए थी, क्योंकि हेल्थ बिल में जिस तरीके से तैयारी शुरू करी गई और विधानसभा शुरू हुई तो हेल्थ बिल की चर्चा हुई, प्रवर समिति की बैठकें भी हुई। मैं समझता हूँ सरकार बहुत मजबूती के साथ इस बिल को लागू करे। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी की योजना के साथ निरोगी राजस्थान की बात करते करते अब हमने ये तय करना है कि लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ले ही ले, किसी भी तरीके के कोई दबाव में सरकार नहीं आए और हेल्थ बिल को जल्दी से जल्दी ला करके सदन में पारित करवाए, क्योंकि ये लास्ट बड़ा सदन है। अगर इसमें रह गई बात तो रह जाएगी। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सदन में मांग उठी है, मुख्यमंत्री जांच निःशुल्क जांच योजना के दायरे में जो मुख्य रूप से आज हार्ट अटैक से और कैंसर से जो लोग मर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में मर रहे हैं, नेसेसरी रूप से मनुष्य का जांच हो, जिससे जोरदार घर में आदमी, जिम्मेदार आदमी घर में से हाथ में से नहीं निकले। सभापति महोदय, हाथ में से नौजवान 15 साल से लेकर के 25-25, 30-30 साल के नौजवान जा रहे हैं। और हमारे इलाके में तो कैंसर का इतना बड़ा दबदबा हो गया, हर गांव में 5-5, 7-7 पेशेंट हैं। मेरी हाथ जोड़ की निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से और चिकित्सा मंत्री महोदय से कि हमारे भादरा नौर इस क्षेत्र में कैंसर का रिसर्च सेंटर बनवाएं आप। चाहे छोटी जगह है हमारी, लेकिन इतना ही बड़ी कैंसर है, हर गांव में पसरी हुई है। हमारे यहाँ पानी जो पीछे से आता है पंजाब से, हरियाणा से, पता नहीं उन पहाड़ी का असर है या उन हवाओं का असर है, एक एक गांव में 10-10, 20-20 कैंसर के पेशेंट। सभापति महोदय, इसलिए हम चाहते हैं कि कैंसर पर रिसर्च सेंटर हमारे इलाके में खुले। हम बात करना चाहेंगे चिकित्सा शिक्षा की। आपने डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर लग गया, डॉक्टर का एडमिशन हो गया PG में, डॉक्टर चला गया उच्च शिक्षा अध्ययन करने, उसका नाम बोल रहा है PHC CHC मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक साल के बाद वो आएगा, इतने पद खाली रहेगा, गायनी का पद खाली, MD फिजिशियन खाली, जहाँ उसका एडमिशन हो जाए उसका पद वहीं बोलना चाहिए, दूसरे डॉक्टर को लगाने का मौका ये संशोधन मंत्री महोदय करना चाहिए ताकि जनता को हम सहूलियत दे पाए। हम ये चाहते हैं कि शुद्ध के लिए युद्ध की बात चल रही है। सभापति महोदय, जो आज खाने में और पीने में जितना मिलावट है, जिसकी कोई स्तर नहीं बचा है, इतनी भयंकर मिलावट है, हम जयपुर में ये दूध पीते हैं शाम को, डर लगता है कि पता नहीं दूध के अंदर क्या है। सभापति महोदय, जिस तरीके से तेजी से दूध में मिलावट है और खाने के सामान में मिलावट है, ये हम सबके जीवन के लिए खतरा है, आम जनता के जीवन के लिए खतरा है। इसलिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को आप तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सभापति महोदय, हम मांग करते हैं कि आशा सहयोगिन बहनों का मानदेय सरकार बढ़ाए। हम चाहते हैं कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में हो, और डिलीवरी के समय ये धमकी नहीं मिले जच्चा को कि आपका तो सिर्फ ही सिर्फ एक इलाज बचा है, वो ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी 80%, 90% नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, जबकि आज आंकड़े ये हैं 80%, 90% डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। सभापति महोदय, मैं डॉक्टर लाइन का आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन हम महसूस करते हैं अगर प्राकृतिक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से दूसरी बीमारियों को महिला के लिए नोता आ रहा है, इसलिए सरकार इस बात पर गंभीरता से काम करे। सभापति महोदय, हम ये चाहते कि हमारे भादरा शहर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसको कर्मोन्नत करा जाए और भादरा में नर्सिंग कॉलेज खोला जाए और
पीएचसी अजीतपुरा को सीएचसी में कर्मोन्नत करा जाए। एक मैं विधानसभा के सारे कर्मचारियों की एक मांग है वो रखना चाहूँगा, जयपुर विकास प्राधिकरण की राजस्थान विधानसभा सचिवालय समूह आवास योजना दावास अजमेर रोड जयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करा जाए, ये ज्ञापन विधानसभा के कर्मचारी साथियों ने मुझे दिया था। इन सब बातों को रखते हुए मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तम स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का जो दायरा मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम करा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। मेरे हॉस्पिटल बाजरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्होंने उपजिला अस्पताल बनाया, इस बात के लिए भी धन्यवाद। मंत्री महोदय बस एक बात चाहते हैं कि जिस तरीके से साथी बात कर रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में, हाँ हर योजना में कमियां हैं, हर योजना में लकुने हैं, लेकिन अपने इसको और बेहतर तरीके से ठीक करने की जरूरत है। जो निराशा की बात इधर के साथी कर रहे हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर कोरोना के उन बुरे दिनों को याद करना चाहूंगा। राजस्थान के माननीय 200 सदस्यों ने और राजस्थान के सरकारी मुलाजमे ने, सारे के सारे सिस्टम ने जनता की जान को बचाने का काम करा था, इसमें कोई दोरा नहीं। हम हिंदुस्तान के हर कोने में राजस्थान के बैठे हुए लोगों के संपर्क में थे, लेकिन जिस तेजी के साथ राजस्थान की जनता ने, राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के डॉक्टरों ने आपस में एक दूसरे को बचाने का काम करा, यह बहुत अच्छा उदाहरण था। इस उदाहरण को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छा करा है उस अच्छे के लिए हमें बाई बाई करनी चाहिए, न कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। और जो साथी अभी भी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बाद भी ये कह रहे हैं कि आज कुछ भी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ है, आशा की किरण है, इसको मजबूती के साथ हर आदमी का स्वास्थ्य उत्तम हो ये सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।